अब हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट से बुक के चैप्टर नंबर 18, जिसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दें, क्योंकि अब हमारा जो सी है लेटेस्ट सी है वो कम्प्लीट होने की तरफ आई है, तो हर किसी तक अगर ये पहुंच जाए तो बहुत ही बेनिफिट होगा सभी स्टूडेंट्स को। अब फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते क्या हैं? दीज फंक्शंस अलाउ अस टू सप्लाई द इनपुट इन ए फिक्स्ड फॉर्मेट। जब हम प्रिंटएफ का यूज करते हैं तो प्रिंटएफ फंक्शन का पर्टिकुलर सिंटैक्स है कि सबसे पहले हम डबल कोट्स के अंदर कुछ लिख देते हैं, उसके बाद ब्रैकेट लगाते हैं, वो कोमा लगाएंगे, उसके बाद में वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से आप फंक्शंस इनपुट आउटपुट ले सकते हो। और स्कैनएफ का यूज करते हैं तो हम उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं, उसके बाद में एड्रेस ऑफ लगा करके वेरिएबल का नाम लिखते हैं। तो पर्टिकुलर फॉर्मेट डिफाइंड है इनपुट लेने का भी और आउटपुट लेने का। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो दीज फंक्शंस अलाउ अस टू सप्लाई द इनपुट इन ए फिक्स्ड फॉर्मेट, ऑब्टेन द आउटपुट इन द स्पेसिफाइड फॉर्म। कि अगर आप प्रिंटएफ का यूज कर रहे हो आउटपुट लेने के लिए तो उसका पर्टिकुलर पैटर्न डिफाइंड है, उसी तरीके से आप लिखोगे तो आपको एक्चुअल आउटपुट मिलेगा, और स्कैनर भी उसी तरह हो सकता है जैसे कि आप उसको पर्टिकुलर रूल डिफाइंड है, फॉर्मेट डिफाइंड है। तो अब फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शंस के अंदर हमारे पास प्रिंटएफ एंड स्कैनर यही दो आते हैं। अब प्रिंटएफ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, प्रिंटएफ के ऊपर जैसे काम कैसे करने अगर हम फॉर्मेट क्या बोलते हैं। देखिए प्रिंटएफ फंक्शंस हो गया, जैसे कि हमारा नॉर्मल कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसके अंदर कोमा सेपरेट करने के बाद हम क्या डालते हैं, पैरामीटर्स की वैल्यू पास करते हैं। तो इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर ये तो हमने पास कर दिया कि स्ट्रिंग होती है जो कि आउटपुट के अंदर आएगी, और आउटपुट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा यहाँ पे लिस्ट ऑफ वेरिएबल जो पास करते हैं वो डिफाइन करती। कैसे? अगर कैरेक्टर्स दैट आर सिंपली प्रिंटेड एज दे आर, जो फॉर्मेट स्ट्रिंग कुछ भी लिखा हुआ होगा डबल कोट्स के अंदर वो एज इट इज प्रिंट होकर चला जाएगा हमारे आउटपुट के ऊपर, वीडियो के अंदर आउटपुट के तौर पर चला जाएगा, जब तक अगर आपको परसेंट का साइन नहीं मिला है। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट के ऊपर जा रहे हैं, परसेंट का साइन मिला है, परसेंट का साइन मिलने के बाद में अगर कोई एक्चुअल फॉर्मेट स्पेसिफायर है कि डी मिल गया है, एफ मिल गया, एस मिल गया, सी मिल गया, तो उसको पता लगता है कि किस तरह के वेरिएबल को डेटा को यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला गया है। तो इसलिए पैटर्न डिफाइन नहीं, जो पैटर्न डिफाइन होता है उसी को फॉर्मेट बोल देते हैं। एस्केप सिक्वेंस दैट बिगिन विद स्लैश, अगर हमको आपको बोल देते हैं एस्केप सिक्वेंस क्या होता है, हम स्लैश एन लगाते हैं, स्लैश एन का मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर, तो मतलब कि वहां से नई लाइन हमको प्रिंट करनी है, तो वहां पे स्टार्ट किससे करते हैं, स्लैश से, तो एक एस्केप सीक्वेंस हो जाता है। अब स्लैश टी करेंगे तो स्लैश टी मतलब कि जो फॉर्मेट अपन लिखते हुए आते हैं, जैसे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग कर दिया, इसके बीच में स्लैश टी लगा देंगे तो इन और इन दोनों के बीच में टैब के जितना स्पेस होता है वो स्पेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि जो सिक्वेंस था ये ब्रेक हो जाएगा, इससे हम एस्केप कर जाते हैं। तो एस्केप सिक्वेंस के साथ में स्लैश लगाते हैं, तो ये सब कुछ फॉर्मेट ही है कि किस तरीके से इसके अंदर हम यूज करते हैं। अब देखिए stdio.h इनपुट हो गया, ये हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा printf एवरेज इक्वल टू परसेंट डी, जैसे हमने अभी जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया कि परसेंट का साइन आता है उसको पता लगता है क्या करना है। तो देखिए यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा, एवरेज इक्वल टू तक पूरा आएगा, स्पेस ले लेगा, यहाँ तक एज इट इज प्रिंट में दे देगा, लेकिन जैसे उसको यहाँ पे मिला फर्स्ट परसेंट, परसेंट मतलब कि उसको लगा कि कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू को मुझे यहाँ प्रिंट करना है, तो क्या करेगा, परसेंट कौन सी वैल्यू को प्रिंट करना है, जिसने बोला कि डी, डी होता है किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर का, तो इसको ये पता लग गया कि यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो जो वेरिएबल आप डिफाइन करोगे अगर वो इंटीजर की वैल्यू को स्टोर नहीं करता है तो आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद में हमने लिखा दिया स्लैश एन की एवरेज का जो लिखता ला रहा था लेफ्ट टू राइट के अंदर, अब उसको मैं न्यू लाइन कैरेक्टर के न्यू लाइन के अंदर भेजना है, तो हमने स्लैश एन लिख दिया। तो जैसे स्लैश एन मिलेगा तो उसको दिख गया कि एस्केप सिक्वेंस मतलब कि जो कंटिन्यूस चल रहा था प्रोसेस उसमें से एस्केप करना है, तो हमको कुछ और करना है। करना क्या है, एन का मतलब न्यू लाइन हो गया, टी का मतलब टैब हो गया, अब उसके बाद परसेंटेज इसको परसेंट, एफ का मतलब हो गया उसको फ्लोटिंग टैब की वैल्यू को प्रिंट करना है। अब उसके बाद एवरेज बोला तो जहां पे फर्स्ट परसेंट डी मिला, परसेंट मिला तो वहां पे क्या देखा, डी मतलब इंटीजर, तो यहाँ पे वैल्यू एवरेज तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए जो कि इंटीजर है, तो ये प्रिंट कर देगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। सेकंड में परसेंट एफ मतलब कि फ्लोटिंग टाइप की थी, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू मतलब कि 69.2 आ गया, तो ये फ्लोटिंग टाइप है तो ये वैल्यू इसने प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से प्रिंटएफ का फॉर्मेट काम करता, तो ये होता है फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शन जिसके अंदर पर्टिकुलर फॉर्मेट डिफाइन होता है, उसी के थ्रू आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एवरेज पी आर नहीं लिखेंगे तो परसेंट डी और परसेंट एफ की वैल्यू कोई काम नहीं करेगी, एज इट इज ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा। अब चलते हैं कि फॉर्मेट स्पेसिफाई करने के लिए, फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन करने के लिए कौन कौन से क्या क्या होता है। तो हमारे पास में डेटा टाइप कितने तरीके होता है, इंटीजर होता है,
कैरेक्टर होता है रियल होता है, रियल मतलब कि फ्लोट भी होता है। देखिए इंटीजर को करने का शो परसेंट डी और परसेंट एल, एल का मतलब कि स्मॉल साइज के इंटीजर को शो करना है, तो परसेंट डी मतलब इंटीजर हर किसी के लिए लगेगा। शॉर्ट अनसाइंड मतलब कि नेगेटिव नंबर का कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ पॉजिटिव के साथ में करना है तो परसेंट यू कर दिया। लॉन्ग साइंड का करना है तो एल डी, मतलब कि लॉन्ग का तो एल आ गया, इंटीजर का डी आ गया। लॉन्ग अनसाइंड का मतलब लॉन्ग का तो हो गया एल और अनसाइंड का हो गया यू, जो कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अनसाइंड हेक्सा में स्थित हेक्साडेसिमल को करेंगे परसेंट एक्स के थ्रू, और अनसाइंड ऑक्टल को शो करेंगे परसेंट ओ के थ्रू। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो कि बताते हैं किस तरह के वेरिएबल, जो कोई पर्टिकुलर वेरिएबल किस तरह का डेटा को स्टोर करेगा और किस तरह के डेटा को प्रिंट करेगा, ये हो जाते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर। रियल के अंदर होते हैं तो तीन, फ्लोट डबल एंड लॉग डबल। फ्लोट के होता है परसेंट एफ, डबल के होता है एल एफ, और लॉन्ग डबल के होता है कैपिटल एल एंड स्मॉल एफ। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इन डेटा टाइप के अकॉर्डिंग है। अगर आपका लॉन्ग डबल का डेटा है वेरिएबल के अंदर तो उसको प्रिंट करवाना है तो एल एफ को यूज करना पड़ेगा, और अगर स्कैन करवाना है तो भी एल एफ का ही यूज करना पड़ेगा परसेंट के साथ में। कैरेक्टर साइंड और अनसाइंड दोनों को शो करने का तरीका परसेंट सी के थ्रू होता है। स्ट्रिंग के अंदर ये कुछ भी नहीं होता, सीधा सीधा फॉर्मेट इसे क्या होता है परसेंट एस होता है, कि स्ट्रिंग का कोई वेरिएंट नहीं होता। स्ट्रिंग क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरे कैरेक्टर एरे का। अब फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन जो हमने ये डिस्कस करा है, इसके अलावा भी कुछ और होते हैं ऑप्शनल जो कि हमें हमारे ऊपर डिपेंड करना है उसको यूज करना है कि नहीं करना है। जैसे कि एक तो होता है डॉट और एक होता है माइनस। डॉट का मतलब होता है डिजिट्स स्पेसिफाइंग फील्ड विद डेसिमल पॉइंट सेपरेटिंग फील्ड विद फॉर्म प्रिसीजन, कि आपको जैसे वेरिएबल टाइप की वैल्यू है तो कितने फ्लोटिंग टाइप की तो कितने मतलब पॉइंट के बाद में, या जो डॉट है या फिर डेसिमल पॉइंट रेशियो तो उसके बाद कितने डिजिट हमें दिखानी है कितनी डिजिट नहीं दिखानी है, साइज किस तरीके से करना है, लेफ्ट अलाइन करना है राइट अलाइन करना है, अगर हम एक टेबल के अंदर काम कर रहे हैं तो किस तरीके से करना है, ये सब हम इन दोनों के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं डॉट एंड माइनस के थ्रू। माइनस जहां भी लगा देंगे तो लेफ्ट से जस्टिफाई हो जाता पूरा का पूरा कंटेंट लेफ्ट साइड से, और पर्टिकुलर जो विड्थ है उसी के अंदर उसको सेट कर दिया जाता है लेफ्ट अलाइन से करते होते। जो नॉर्मल वर्ड पैड की बात करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं जो जस्टिफिकेशन वाला जो आता है या लेफ्ट अलाइन का होता है वो हम यहाँ पे माइनस के थ्रू हम यूज करते हैं। अब ऑप्शनल जो स्पेसिफायर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इनका मैं केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं, इनका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कि एक एक के ऊपर किस तरीके से काम करना है। जैसे कि देखिए प्रिंटर फंक्शन है, इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर बीच में सब कुछ लिखा हुआ और ये यहाँ पे चले गए वेरिएबल्स के नाम। लेकिन देखिए परसेंट सिक्स डी, अभी तक हमने जो भी वेरिएबल्स लिए हैं जितने भी कैलकुलेशन करी था हमेशा परसेंट डी लिखा था फॉर इंटीजर, फर्स्ट टाइम हमने परसेंट सिक्स डी लिखा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे परसेंट माइनस सिक्स डी लिखा है। स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए हमने परसेंट ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी लिखा है। फॉर्मेट को स्पेसिफाई करने के लिए फ्लोटिंग को परसेंट एफ लिखा है, और यहाँ पे परसेंट टेन डॉट वन एफ परसेंट डॉट टू वन एफ। तो ये अलग अलग तरीके के प्रिंटर को स्टेटमेंट है जो कि हमने यूज नहीं करें अभी तक। तो ये किस तरीके से काम करते हैं ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।